आज 29 नवंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 29 नवंबर 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक शब्द के तरफ रिवॉल्व होती है, घूमती है, और वो शब्द है दैवी मैनर्स। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो मनुष्य देवता भी थे, लेकिन उनमें और हमारे में एक ही फर्क है कि उनमें दिव्य गुण थे। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, सतयुग के लिए हमको जो डिग्री मिलने वाली है, वो डिग्री अभी कितना परसेंटेज में हम लेते हैं। श्री कृष्ण के साथ हमको आना है, श्री राधे के साथ हमको आना है, तो जो उन्होंने अपने अंदर डिग्री धारण की 100%, हमको वहां तक पहुंचना है। ब्रह्मा कुमारी में जो चित्र दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो ये सौगात हम कई लोगों को देते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, और हम उनको बताते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बने। लेकिन ये अपने आप तो नहीं होगा ना, इसके लिए मेहनत है कि उन्होंने जो डिग्री प्राप्त की वो डिग्री हमको धारण करनी है, और वो डिग्री या उसके लिए जो पढ़ाई अभी पढ़नी है, तो कौन सी डिग्री है उसके गहराई में जा सकते हैं। 5 डिग्रियां है: सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। अगर ये पांचों को देखो तो ये पांचों को भी हम एक के अंदर डाल सकते हैं, वो है सर्वगुण संपन्न। क्योंकि अहिंसा ये भी एक गुण है, हमने श्रीमद् भगवद गीता में देखा, 16वां अध्याय है, दैवासुर संपत विभाग योग, तो उसमें दैवी और आसुरी लक्षण बताए हुए हैं। और ये भी बताया कि दैवी लक्षण जो होते हैं या गुण होते हैं वो मुक्त करते हैं, बंधन मुक्त करते हैं, और आसुरी बंधन उत्पन्न करते हैं। बाबा यही बात आज की मुरली में कह रहे हैं। और वो जो 16वां अध्याय है, आप सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी स्टडी किया है या श्रीमद् भगवद गीता ग्रुप के हैं, तो उसमें शुरुआत अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, इससे शुरुआत होता है। ये पहला श्लोक है। पर जो दूसरा श्लोक है वो है अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लोलुपत्वम मार्दव हीर चापलम। तो वो अहिंसा उधर आता है, संपूर्ण अहिंसा। फिर संपूर्ण निर्विकारी में पवित्रता का गुण आ जाता है,
अगर आप 16 कला संपूर्ण देखो तो ये कला क्या है? कला माना वर्चुज इन एक्शन, दिव्य गुण कर्म में आती है तो वो कला बन जाती है, जिन्हें कलाकार कहते हैं। तो योग की व्याख्या भी हमने देखी है दूसरे अध्याय में, 50वां श्लोक सांख्य योग में, योगः कर्मसु कौशलम्। तो ये भी गुणों के अंदर आ जाता है, मर्यादा के अंदर रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी गुणों के अंदर आ जाता है। तो सर्वगुण संपन्न में सब आ जाते हैं, और यही बात बाबा आज की साकार मुरली में कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें अगर देवता बनना है मनुष्य से, तो दैवी मैनर्स या फजीलत या दैवी गुण धारण करो, और आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ और पावन बनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि कुछ घर में झगड़ा होते रहता है, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। मुझे याद आ रही है बाबा की मुरली, डायमंड ईयर वर्ष था, तो बाबा ने टारगेट दिया था कि डायमंड कौन बन सकते हैं। बहुत गुह्य मुरलियाँ थी, जो भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं उनको ये अव्यक्त मुरलियों का स्टडी करना चाहिए। तो 9 बातों में एक बात थी, झमेला मुक्त बनो, झमेला। फिर उसमें क्रोध मुक्त बनो, परचिंतन मुक्त बनो, ये सब बातें थी, लगाव मुक्त बनो। तो झमेला मुक्त मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि झमेले बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग माना कलह का युग, घर घर में कला है, तो इसके वाइब्रेशन होते हैं। हमको नॉलेजफुल आत्मा बाबा ने बनाया है, तो हमको पता होना चाहिए कि अंदर हो या बाहर हो, अगर शिव बाबा से संपूर्ण योग नहीं है तो पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, और अगर पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं हुए तो पुराने संस्कार निकलेंगे जरूर। अभी कैसे निकलेंगे, वो तो संबंध संपर्क में आएंगे तो पता चलेगा कि इनके ये संस्कार है, आसुरी अवगुण है इनके अंदर अभी भी, तो उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर। उसके लिए हमको बहुत शक्तिशाली बनना है, लेकिन ये अवेयरनेस, ये नॉलेज हमको रखना है कि भले कोई कितने भी साल से ज्ञान में है। मुझे तो बहुत हंसने को आता है, रमेश भाई हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता थे, ट्रस्टी थे, बहुत अच्छा कहते थे कि कई बीके भाई बहने अपना परिचय देते हैं कि इतने साल से ज्ञान में हम चल रहे हैं। रमेश भाई कहते थे कि इतने साल हुए अभी भी चल रहे हैं, पीछे वाले आने वाले तो उड़ रहे हैं, अभी आप अभी भी चल रहे हो। ये बात वैसे तो हंसी की लगती है, लेकिन इसके पीछे राज भी है। राज ये है कि कई पुराने भाई बहने आज भी नाम मान शान में अटके हुए हैं। अभी इतने साल बाबा के बच्चे बनकर नाम मान शान की भूख किस लिए है? एक तो आत्मा ने मुझे कहा, नहीं, ये तो होना चाहिए, बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड अलग बात है, ये दोनों को मिक्स नहीं करना है। रिगार्ड दिल से होता है। हमने देखा कि ऑफिस में भी, लौकिक की बात कह रहे हैं, कंपनी में या ऑफिस में, वो लोग बॉस के सामने चुप रहते हैं, क्योंकि सिग्नेचर, परमिशन, छुट्टी की सब उससे ही मिलता है, तो बॉस को मस्का लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके साथ ही रहना है हमको। किसी भी कंपनी में जाओ, कंपनी बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो वो कुर्सी को रेस्पेक्ट देते हैं, ना कि उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, दिल से रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे मम्मा बाबा को दिल से रेस्पेक्ट देते थे हम, दादियों को दिल से रेस्पेक्ट देते थे, ऐसे दिल से सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग मांगते रहते हैं कि
कि हमको रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हम बड़े हैं। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे आपको दैवी गुण धारण करने हैं, और दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख कैसे हो सकती है, कैसे पहचाने? तो पहचान एक ही है कि वो स्वयं पावन होंगे और औरों को पावन बनाने की सेवा करेंगे। और ये पता कैसे चलता है कि आप सेवा में क्षेत्र में होते हैं? तो पता चलता है आपकी अवस्था का। किसी की अवस्था छिपके रह ही नहीं सकती है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर जरूर दिखाई देगा, जो अंदर है वो बाहर जरूर दिखाई देगा। कई बार मुझे ऐसे अंदर से आता है, ये दादी जानकी फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा कोर्स बना हुआ है, जो विदेश से हमारे डॉक्टर अशोक मेहता ने भारत में लाने के निमित्त बने, वो है विहासा। ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर। तो शुरुआत में तो हम डॉक्टर्स के लिए बना था, क्योंकि दादी जानकी ने देखा लंदन में कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनके अंदर ये एनर्जी नहीं है, वो थके हुए हैं, भागे हुए हैं। तो जिसके अंदर खुद के अंदर एनर्जी नहीं है, वो दूसरों को एनर्जी क्या देंगे? तो दादी को रहम आया और उन्होंने ये कोर्स बनाने को कहा। अभी ये सेवा करने का भाग्य प्राप्त हुआ, तो 2007 से हम मुंबई से और भारत में कई स्थानों पर ये सेवा चल रही है। अभी हम जयपुर में भी जाके आए। तो इसका इतना अच्छा फीडबैक है इस कोर्स का, क्योंकि इसमें पूरा देवी गुणों का स्वरूप बनना है, कंपैशन का स्वरूप बनना है, या पॉजिटिविटी का स्वरूप बनना है, या शांति का, सहयोग का, एक एक गुण की गहराई में गए हैं। और इसकी विशेषता यह है कि यह प्रैक्टिकल होता है, इसमें कोई भाषण नहीं होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, माना अपने अंदर जाना होता है, स्वचिंतन होता है, विजुअलाइजेशन होता है। बहुत सुंदर तरीके से हर आत्मा के अंदर जो दैवी गुण है उनको बाहर लाया जाता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। इसलिए हर आत्मा को महसूस होता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, और जैसे ही उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान जागृत हो जाता है, उसकी अवस्था बहुत अच्छी होती है, प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ये 36 गुणों के ऊपर वर्कशॉप ले, एक एक गुण के ऊपर 3-3 घंटे का वर्कशॉप ले। पर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क तो पड़ता है। फेस टू फेस में बहुत अच्छा शेयरिंग होता है, जो हम ऑनलाइन में नहीं ले सकते हैं। तो कभी कभी लगता है सब सेंटर पर जाके भट्टी में यही बात हम सुनाए, पर ज्यादा समय नहीं, 2 से 3 घंटा हम इस एक एक गुण की गहराई में जा सकते हैं, और उस गुण के ऊपर मास्टरी धारण करें, उसके गहराई में जाए। व्हाट डज इट मीन बाय ह्यूमिलिटी? नम्रता क्या है? नम्रता के गुण के गहराई में जाए। बाबा बार बार कह रहा है, निर्माण बनो, नम्रता रूपी कवच को धारण करो, है ना, निमित्त और निर्माण। ये क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि वो गुण उतना इम्पोर्टेंट है, पवित्रता। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, पावन बनना है हमारा मिशन ही है। आज की मुरली में कहा कि दूसरों को पावन बनाना। अभी दूसरों को पावन कौन बना सकते हैं? जो स्वयं पावन है। अगर हम पावन नहीं है तो दूसरों को कैसे बना पाएंगे पावन? अगर मेरे अंदर ही काम विकार है, क्रोध है, बाबा ने क्रोध को 2nd नंबर का दिया हुआ है, पर विकार ही तो है ना। भले आप ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं जीता तो उसको पावन नहीं कहा जाएगा। फिर भले कोई भी कारण हो, क्रोध वाले मुझे कहते हैं कि बात ही ऐसी थी, मेरे जगह पे तुम भी होते तो भी क्रोध ही करते। तो बहुत हंसने को आता है, ऐसे ऐसे कारण देते हैं, दे जस्टिफाई देयर एंगर। जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है वो जस्टिफाई करता है क्रोध के लिए। वो मर्डर करने वाला भी जस्टिफाई करता है कि इन्होंने मेरे ऊपर अन्याय किया, इसलिए मैंने खून किया, मैंने अन्याय का बदला किया। तो वो भी जस्टिफाई करता है, आप भी जस्टिफाई करते हो कि मैंने गुस्सा किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया, गुस्सा करना ही है।
तो मुझे वंडर ये लगता है कि बाबा ने किसी भी मुरली में ऐसे कहा नहीं कि बच्चे कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा होता है तो आप जरूर गुस्सा करो, आपको फुल परमिशन है। बाबा ने आज तक एक भी मुरली में नहीं कहा कि गुस्सा करो। केवल मुझे याद है कि जो पुलिस वाले हैं और आर्मी वाले, तो बाबा ने पुलिस वालों के लिए कहा है कि पुलिस वालों के पास जो आते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, गुंडे होते हैं, तो अभी उनका वो रोल है उनसे बातें निकलवानी है। हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बाबा ने कहा वहाँ पर और आर्मी वाले हैं, मुझे आर्मी की एक अच्छी बात लगती है, हमेशा आर्मी को मैं बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट से देखता हूँ। आर्मी का लाइफ बहुत टफ होता है, आर्मी और पुलिस इनको हमको दिल से सैल्यूट करना चाहिए। अमेरिका में मैं देखता हूँ जब भी आर्मी वाले आते हैं तो लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, तालियां बजाते हैं, और हमारे इधर आर्मी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है मैं देखता हूँ ट्रेन में, उस नज़र से नहीं देखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है आर्मी और पुलिस वालों को हमको विशेष उनके लिए योग करना चाहिए, क्योंकि बेचारे निगेटिव एनवायरनमेंट टफ लाइफ में जी रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो आर्मी वालों को बाबा ने छुट्टी दी है। आपको एक मजे की बात शेयर करता हूँ, महाराष्ट्र में सातारा जिला है, वहाँ पे आर्मी का स्कूल है, पहला स्कूल जो 1960 में स्थापन हुआ था, वहाँ पे बच्चों को आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, सैनिक स्कूल है। और सातारा जिला की और एक विशेषता है, वहाँ पे एक गाँव है जिसमें गाँव के हर एक घर से एक व्यक्ति आर्मी में है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या भावना होगी इन आत्माओं की देश के लिए। तो उधर मेरा सेशन था तो मैंने बच्चों को ओम शांति के बारे में बताया, तो सेशन तो सुन लिया, पर बाद में जब कैबिन में गए तो वहाँ के कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि सर आपका ओम शांति अच्छा है लेकिन बॉर्डर पे काम नहीं करता है, बॉर्डर पे तो गोली मारनी पड़ती है, क्योंकि बॉर्डर पे अगर मैंने गोली नहीं मारी तो सामने वाला मुझे गोली मार देगा। तो बाबा को भी ये सवाल पूछा गया आर्मी के बाबा के बच्चे ने कि बाबा क्या करें, हमारा ड्यूटी है गोली मारना। तब बाबा ने कहा कि आप बाबा की याद में गोली मारो क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक आता है, माम अनुस्मर युद्धम च, मना मेरी याद में युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अभी इसको हम नहीं एक्सटेंड कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि मैंने बाबा की याद में गुस्सा किया या मैंने बाबा की याद में चमाट मारा दूसरे को, ये नहीं है अलाउड। केवल ये पुलिस और आर्मी को बाबा ने छुट्टी दी है क्योंकि उनका उनका जो जिम्मेवारी है, उनकी जो ड्यूटी है वो डिमांड करती है। तो कहने का भाव ये था, अहिंसा रोजमर्रा की जीवन में आप देखो तो हमारे सामने कौन आते हैं, घर वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, या ट्रैवलिंग में जो भी मिलते हैं आसपास में, उस वक्त आपका दिव्य गुण कर्मों में दिखाई देना चाहिए, भाव को पकड़ना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये क्रोध दो नंबर का विकार है, तो अहिंसा के गुण को धारण करना है, नम्रता बहुत होनी चाहिए। अभी मैं जो देख रहा हूँ तो महाराष्ट्र में एक कहावत है, बहुत सुंदर कहावतें होती है कई बार, तो वो कहावत है पेल्या मधिल वादळ, माने पेल्या तिल वादळ, माने छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बना लेते हैं। अभी जो विघ्न आ रहे हैं अंदर से क्या आ रहे हैं, अहंकार अभिमान के आ रहे हैं, ईगो के आ रहे हैं। कल हमारा सेशन था चिंता के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, तो उसमें ये तीन बातें निकली, ईगो नीड्स जो होती है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दूसरों को जजमेंट देना कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसा, तो ये जो ईगो नीड है। और तीसरी ईगो नीड है दूसरों को प्रभावित करना, अप्रूवल, दूसरे मुझे अच्छा कहे। ये तीनों ईगो इसमें से काम करता है, इससे साक्षी हो जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर ये ईगो काम कर रहा है, ये इनसिक्योरिटी पैदा करेगा,
और फिर दैवी गुणों से हम नीचे आ जाएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो समझने वाला है समझे कि दिन भर हम क्या कर रहे होते हैं। तो दिन भर हम ये तीन ही बातें कर रहे होते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जबकि खुद को कंट्रोल करना चाहिए। हम दूसरों से अप्रूवल मांगते रहते हैं कि आप कहो मैं बहुत अच्छा हूँ करके, और दूसरे इसका फायदा भी उठाते हैं, उनको पता है इसकी महिमा करो तो ये मदद करेगा, तो दूसरे मैनिपुलेट करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। तो हम अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, तीसरा जजमेंट देते रहते हैं। एक आत्मा ने मुझसे कहा कि ये ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो मैंने उनको पूछा कि बाकी के क्या खराब है। बाकी के खराब इसलिए क्योंकि मुझे उनमें विशेषता देखने आती नहीं है। बाबा कह रहा है कि मेरा हर बच्चे से प्यार है। कई बार मेरा सेशन रखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो मैं जो बातें सुनाता हूँ कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे, पर मैं उसके पीछे का मनोविज्ञान सुनाता हूँ। अभी अच्छी बात है कि जो टॉप 3 बच्चे आते हैं उनका सत्कार करना चाहिए, स्कूल हो या कॉलेज में हो, लेकिन उस समय हमको यही कहना चाहिए कि इनका सत्कार इसलिए नहीं हो रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के अच्छे नहीं है। इन्होंने एक स्किल में अपनी अच्छाई दिखाई है कि ये पढ़ाई में अच्छे हैं, बाकी विद्या इनको आती है नहीं आती है कहाँ पता है, उसका तो टेस्ट लिया ही नहीं गया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर तो फेल है, 10वीं में फेल हुआ था, पर उसकी स्किल थी क्रिकेट, उसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण है, और बाबा कहता है कि मेरा एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिसके अंदर गुण नहीं या विशेषता नहीं हो। हमारे साथ एक इंजीनियर है, अभी मैं उनको देख रहा हूँ, हर बार कंपैरिजन होती रहती है, जबकि हम जानते हैं तीन तनाव के मुख्य कारण है कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंपटीशन, CCC कहते हैं। तो मैंने बहुत बार कोशिश किया, सेल्फ रेस्पेक्ट में आओ, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर विशेषता है, उस विशेषता को सेवा में लाओ, लेकिन बार बार वो कंपेयर करते रहते हैं कि इसका ये अच्छा है वो अच्छा है। मैंने कहा तुम अच्छे नहीं हो क्या? तो ये कंपेयर करके अपने आप को हीन भावना में लेके आते हैं, तो ये भी गुण नहीं है। बाबा ने कहा है स्वमान में रहकर सम्मान देना है, तो ये गुणों का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आज बाबा ने वो बात भी कही है मुरली में, जो कल इंसिडेंटली आ गई थी मुँह से, कि लोग ब्रह्मा बाबा के साथ भी कंपटीशन करते हैं, सबको प्रॉब्लम ब्रह्मा से ही है। मैं JJ हॉस्पिटल मुंबई में गया था एक डॉक्टर को परिचय देने, तो उन्होंने ओपन माइंड से कहा कि आपका सब ठीक है, लेकिन वो आप ब्रह्मा बाबा को भगवान मानते हो वो थोड़ा एक्सेप्ट नहीं होता। तब उनको हमने बताया जो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है, अगर आप मुरली को शब्द बाय शब्द स्टडी करेंगे तो बाबा ने कहा कि वो प्रजापिता ब्रह्मा है और वो पतित है, वो पावन नहीं है, वो भगवान नहीं है, ये स्पष्ट कहा हुआ है बाबा ने आज। और उसके शरीर में आकर मैंने उसको ब्रह्मा का टाइटल दिया है, तो लोग समझते हैं कि हम ब्रह्मा को भगवान मानते हैं। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा कि संपूर्ण ब्रह्मा पावन है, साकार ब्रह्मा पावन नहीं है, है ना? तो उसने पुरुषार्थ करके ये श्रेष्ठ पद पाया है, लेकिन दुनिया वालों जब भी सेंटर पर आते हैं उनको लगता है कि यही गुरु है, क्योंकि शिव बाबा तो बिंदी है, वो दिखाई नहीं देता। तो उनको हम समझाते तब उनकी समझ में आया। अभी संडे को भगवत गीता के ऊपर हम थाने में सेशन ले रहे हैं, तो उधर भी हम बताने वाले हैं जो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा। आज की पूरी मुरली 4th अध्याय और 9वां अध्याय परमात्मा के बारे में आया हुआ है। हमने 4th अध्याय में देखा, 4th अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, जिसको दिव्य ज्ञान कहा किसी ने, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगर आप उस 4th अध्याय में 6ठा श्लोक देखो, प्रकृतिम स्वामदिष्टाय,
ये छठा श्लोक है, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। अभी इस श्लोक के साथ में आप 9वें अध्याय का 11वां श्लोक कपल करो, अवजानन्ति माम उड़ा तनुमाश्रिता, मैं बूढ़े तन में आता हूँ, तन में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ, बूढ़े तन में नहीं कहा है, साधारण तन में आता हूँ। अभी 4वें अध्याय का 7वां श्लोक है, हम सब जानते हैं, टीवी पर जो भगवत गीता सीरियल चली थी उससे सब लोगों को ये याद हो गया, यदा यदा ही धर्मस्य, तो संभवामि युगे युगे ये कहते हैं, और उसके तुरंत बाद कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो मूढ़मति मनुष्य मुझे नहीं जानते। और यही बात यहाँ पर है कि दुनिया में लोग नहीं जानते कि कैसे परमात्मा का कार्य ये चल रहा है। तो हम भगवत गीता का आधार लेकर ये बता सकते हैं कि बाबा का ज्ञान कैसे भगवत गीता का ज्ञान है, और विराट रूप का भी आज के मुरली में आया हुआ है कि कैसे ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाए, वैश्य पेट और शूद्र पैर। अभी ये शब्दों से भी कुछ लोगों को एलर्जी है, समाज में कुछ लोग झगड़ा पैदा करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी भगवत गीता शूद्र शूद्र कहती है हमको, तो भगवत गीता ने कहीं पर भी ये कहा नहीं है। ये भी 4वें अध्याय का श्लोक है, हम सब जानते हैं उस श्लोक को, हमने बहुत बार देखा है। 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। माना ये 4 वर्णों की रचना मैंने की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन किस आधार पर? गुण और कर्मों के आधार पर। बाबा ने तो मुरली सबको एक ही सुनाई है। अभी एक बच्चा है ब्रह्मा बाबा मम्मा, जो पूरी मुरली की मुरली धारण करती है, मम्मा की विशेषता तो ये कहती है कि बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, कहां और धारण किया, सुना और स्वरूप बन गए, इसलिए लोग नंबर 1 नंबर 2 चले गए। तो और एक है जो मुरली कभी कभी सुनता है लेकिन घड़ी की तरफ देखता है, उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करता है। तो हम ये कहेंगे क्या कि भगवान ने ये वर्ण बनाए? नहीं, ये हमारे कर्मों के ऊपर है। इसलिए इसमें फिर आगे आता है कि मैं ये करता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो, मैंने नहीं किया। ये स्पष्ट ये शब्द आता है कि विद्या कर्तारम अव्ययम्, मैंने ये नहीं किया है, ये तुमने अपने कर्मों से प्राप्त किया है। इसलिए हर एक को चांस है आज की मुरली के ऊपर गहन मनन चिंतन करके, जो कल भी कई लोगों ने फीडबैक दिया कि हम 108 में आना चाहते हैं, मुझे खुशी हुई। लास्ट सो फास्ट गृहस्थ में रह के भी आप इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन बहुत फोकस रहना पड़ेगा, अटेंशन में रहना पड़ेगा। अगर ये 36 गुण धारण करने हैं तो रोज एक गुण के ऊपर अटेंशन रखो और उसका एम्बॉडीमेंट बन जाओ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लास्ट में रिजल्ट आउट होगा, उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है मन वचन कर्म से, और इस गलत फहमी में भी नहीं रहना है कि किसी को पता नहीं चलेगा। रॉन्ग, जो कुछ भी है सब सब कुछ सामने आने वाला है, इसलिए बहुत सच्चे रहना है, सच्चाई सफाई और पवित्रता का गुण धारण करना है, मालिक बन के चलना है। जो भी सोचते हैं कि हम विश्व के ऊपर राज्य करें, तो उसका सिंपल तरीका है स्व के ऊपर राज्य करें, समय पर शक्तियों को यूज करें, और उसका तरीका है मालिकपन की स्मृति में रहे कि मैं मालिक हूं, बालक सो मालिक हूं, कमजोर नहीं हूं, और स्वराज्य मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर कर्म करने के पहले मैं ये जो 3 स्वमान याद करता हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ये 3 स्वमान मैं हर वक्त याद करता हूँ, और त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करता हूँ। इसका आदि मध्य अंत क्या होता है? रिलेशनशिप में बहुत बड़ा लेसन सिखा है, चुप रहना ही समझदारी है। मौनम कलहम नास्ति, मौन में ही सब समाधान है। स्माइल एंड साइलेंस, ऐसे कहते हैं कि स्माइल से आप बहुत सारे जवाब सवालों के जवाब दे देते हैं, और साइलेंस बहुत सारे सवालों को
उत्पन्न होने ही नहीं देता। तो ये सब दिव्य गुणों की लिस्ट निकाल के एक एक करके प्रैक्टिकली उसका स्वरूप बनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। व्यासा में हम एक एक्सरसाइज देते हैं कि आज कौन से दिव्य गुण आपने डिस्प्ले किए, माना दिखाए कर्मों में, आज दूसरों में आपने कौन से गुणों को देखा। अभी हमारा फोकस ही गुणों के ऊपर आ जाता है और जब ये हमारे अंदर आ जाता है तो हमको बहुत हल्का लगता है, खुशी नेचुरल रहती है। तो आज पूरे दिन भर अटेंशन रखना है कि मेरे द्वारा हर कर्म में दिव्य गुणों की भासना है। बाबा ने दादी जानकी को सर्टिफिकेट दिया था कि कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में नंबर वन है। तो हम भी ऐसे सर्टिफिकेट ले सभी से कि ये आत्मा दिव्य गुणधारी देवता है, साक्षात देवता है। अच्छा, ओम शांति।